अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आपका? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी होगी कि हमारा जो गाड़ी का टायर था उसका मसला हो चुका था। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेंड्स, वो जो गाड़ी का मसला था कल आपके भाई ने क्लियर करवा लिया था। तो क्लियर ऐसे करवाया था कि मैंने आपको बताया था कि इसका यही है कि यूज में टायर ले लेते हैं या न्यू टायर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, न्यू टायर लेने गया हूं तो वो 340 दिरहम कोई 50 दिरहम का बोल रहा था। तो फ्रेंड्स, वो बार्गेनिंग करके भी फ्रेंड्स 300 तक जो है ना उन्होंने कर देना था। तो बाकी जो हमारा एरिया दुबई वाली साइड पे, वो टायर इससे भी महंगा था। तो ये मैं बात कर रहा हूँ उमेर मूल की, शारजा वाली साइड की, कि वहां से इतने का टायर मिल रहा था। तो दोस्त ने बताया था कि एक बंदा जो है हमारा टायर चेंज करवा गया था कुछ दिन पहले। तो फ्रेंड्स, उसने जो है 50 दिरहम का यूज में टायर लिया था। तो मैंने सोचा चलो जाके देखते हैं यूज में टायर का क्या सीन है। तो उधर गया हूं मैं, जो उसने शॉप बताई थी लोकेशन मेरे पास उसकी मौजूद थी। तो उधर जाके देखा फ्रेंड्स, उसको बोला कि ऐसे ऐसे 50 दिरहम का ना टायर डलवा गया बंदा, तो आप कौन सा टायर दे रहे हो 50 दिरहम का, वो दिखाओ जरा। तो वो लेकर आया, तो वो यूज हुआ टायर था फ्रेंड्स, उसकी तकरीबन जो है ना 50% जो कंडीशन है ना बाकी थी, यानी कि चल सकता था। तो बाकी मैंने उसे बोला कि यार इससे कोई अच्छा टायर है वो दिखा दो। वो बोल रहा था कि वो 100 का जो है ना वो आपको मिलेगा, फुल एंड फाइनल प्राइस है। तो उधर एक दोस्त हमें मिल गया हमारा पाकिस्तानी भाई, तो उसको बोला कि भाई जान जो है ना खुद ही आप जो है ना टायर का कोई सीन चला के दो हमें, तो आपका कोई हिसाब किताब लगाते हैं खर्चे पाने का। बोल रहा चलो ठीक है। तो फ्रेंड्स, उधर से वो बिल्कुल फ्रेश ब्रांड न्यू टायर जैसा टायर लेकर आया। तो ये आप देख सकते हैं, तो बाकी बिल्कुल फ्रेंड्स फ्रेश टायर है, ठीक है। तो ये टायर जो है आपके भाई ने इंस्टॉल करवाया है, तो आपको बता भी देता हूँ कि ये हमें टायर कितने का मिला है। तो फ्रेंड्स, ये टायर सारा काम हमारा हो गया 70 दिरहम के अंदर अंदर। तो आप अभी दोस्त सोचेंगे कि ये क्या सीन है कि एक टायर 300 प्लस का मिल रहा है और ये 70 का टायर मिल गया। तो फ्रेंड्स, ये होता ऐसे है कि यूज में बोला जाता है कि यूज में टायर है, इसको कोई भी पंचर नहीं था। तो गाड़ियां जो इधर इंपोर्ट होकर आती हैं, जो कस्टमर गाड़ियां लेते हैं, जो लोकल गाड़ियां लेते हैं, तो फ्रेंड्स कोई टाइम लग जाता है उधर से शिपमेंट आते हुए। ऐसा सीन होता है कि गाड़ियां जो है ना इधर आती हैं, तो उनके ना ऐसे ही टायर जो है हवा जो है कम हुई होती है, तो वो वर्कशॉप पर जाके आपने जो सारे टायर है वो जो है ना चेंज करवा लेते हैं। यानी कि कुछ टायर ऐसे होते हैं कि वो एक्सपायर होते हैं, ठीक है, कि 1 ईयर पुराना हो गया या 6 मंथ या 7 मंथ टायर पुराना हो गया। तो फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि ये टायर जो है ना आप निकालें, हमें बिल्कुल फ्रेश ब्रांड न्यू टायर जो है ना वो लगा दें। तो ऐसा सीन होता है, ये ऐसे ही टायर जो है ना गाड़ियों से उतरे होते हैं, तो हालांकि ये बिल्कुल भी यूज नहीं हुए होते। तो फ्रेंड्स, ये जो टायर था मेरा, ये बिल्कुल भी यूज नहीं था हुआ, ऐसे ही उतरा टायर था जो मैंने लगवाया। आपको कंडीशन देख के पता चल ही गया होगा कि इसका क्या सीन है, अगर यूज हुआ होता तो फिर भी पता चलना था। तो ये मैं आपको पहले वाला भी टायर दिखाता हूँ, ये देखें, ये यूज हुआ था, इसकी एक साइड जो है वो कटी हुई थी। तो ये बाकी बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर जैसा था, तो इसका कोई भी सीन नहीं था। तो फ्रेंड्स, इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग मैंने देखी थी, तो फ्रेंड्स ये जो है ना 2 ईयर जो है ना पुराना था टायर, ठीक है। तो बस इसी वजह से जो है ना हमने, तो अभी टायर जब चेंज करेंगे इसको भी साथ चेंज कर लेंगे। तो बाकी अभी जितनी हमारे पास गुंजाइश थी उसी हिसाब से हमने इसको जो है ना टायर को डलवा लिया, ना ही ये कोई पंचर है। तो देखते हैं अभी कितनी देर के लिए ये यूज होता है, क्या सीन होता है। तो फ्रेंड्स, आज की अर्निंग के भी ऊपर बात करते हैं, अभी वो भी मैं दोस्तों को बता देता हूँ कि आज का क्या सीन है। तो अभी तक मैंने 3 ट्रिप कर ली है, अभी टाइम की सूरत हाल की बात की जाए 12:23 हो जाने लगे हैं। तो 3 ट्रिप ऐसे हुए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कितने कितने वाला ट्रिप हुआ है हमारा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला ट्रिप जो है हमारा 62 दिरहम का हुआ है, उसके बाद फिर ये जो ट्रिप है ये भी 62 दिरहम का हुआ है, और एक ट्रिप हमारा जो है वो क्रीम के ऊपर हो चुका है, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, 24 डेट का एक ही ट्रिप हुआ है 25 दिरहम का। तो बाकी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर कोई भी ट्रिप नहीं आया, यंगो की एप्लीकेशन पे भी कोई भी ट्रिप नहीं आया, और जो हमने नई एप्लीकेशन बनवा लिया, जेड एप्लीकेशन हमने बनवाई है, तो फ्रेंड्स उसके ऊपर भी हमारा एक भी ट्रिप नहीं आया। वो जब से एप्लीकेशन बनवाई है तो वो जो है बस उसके ऊपर एक ट्रिप आया था, तो वो उसी टाइम कैंसिल हो गया था, लेकिन उससे तो हमें कोई भी जो है अभी तक फायदा नहीं मिला। एप्लीकेशन से एक फायदा मिला है कि गाड़ी के अंदर हमने लाइटें लगवाई थी, तो फ्रेंड्स वो भी आपको दिखाऊंगा रात टाइम किसी दिन।
तो वो जो एप्लीकेशन है हमने बनवाई है उसके साथ ही उन्होंने फ्री हमें जो है ना लाइटें लगवा के दी हैं। और फ्रेंड्स उसका ये है कि सर्विस स्टेशन की भी उन्होंने लोकेशन दी है, उधर से जाके हम बिल्कुल फ्री अपनी गाड़ी भी वॉश करवा सकते हैं। ट्रिप तो नहीं आ रहा लेकिन ये दो बेनिफिट हमें उधर से मिले हैं ऐसे ही। लेकिन फ्रेंड्स कभी भी मैं उधर से गाड़ी वॉश करवाने गया नहीं है क्योंकि हमारा टाइम ही ऐसा होता है, ड्यूटी चेंज करनी होती है तो टाइम नहीं लगता, उस वजह से फ्रेंड्स उसका भी हमें कोई इतना खास जो है ना फायदा नहीं हो रहा। कि फ्रेंड्स अभी तक यही अपडेट थी, जैसे ही कोई ट्रिप आता है तो इंशाल्लाह दोस्तों को अपडेट करता हूँ। अभी टाइम की सूरत हाल की बात की जाए 12:26 हो जाने लगे हैं, तो अभी देखते हैं जैसे कोई आता है ट्रिप तो फिर आपको बता देता हूँ। जी तो फ्रेंड्स करीम का एक ट्रिप मिला उसके बाद तो टोटल रनिंग की बात की जाए 186 का हमने जो है ना काम कर लिया आज। तो बाकी टाइम अभी 3:24 हो जाने लगे हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है। 3 बजे से पहले ही मैं एप्लीकेशन को जो है ना ऑफ कर देता हूँ ताकि पार्टनर को जल्दी से जल्दी जो है ना गाड़ी दी जाए, ठीक है। रास्ते में आते आते इतना टाइम हो जाता है, हालांकि इतना ज़्यादा हमारे काम से लेके घर का सफ़र इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से फिर फ्रेंड टाइम से जो है ना निकलना पड़ता है। 40 मिनट 45 मिनट कहीं भी नहीं गए हुए इतना टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड फ्यूल स्टेशन पर आया था तो ये आप देख सकते हैं 30 दिरहम का फ्रेंड हमारा जो है ना फ्यूल आज कंज्यूम हुआ है। तो बाकी जो हमारा काम था 186 का हुआ है। आई होप फ्रेंड आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तो आपको पता चल गया होगा कि डे के काम में कितनी अर्निंग हो रही है। तो बाकी फ्रेंड्स अगर आप ऐसी मजीद वीडियो देखना चाहते हैं चैनल के साथ बने रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।